अरे भाई साहब, रोक रोक रोक, उतर उतर उतर, मार 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 मार, इसको मार, ये वाला चाहिए हम लोग को, मार मार मार, पीछे से बंदे उतर रहे, मार मार मार, एक सेकंड, गाड़ी निकली निकली निकली, बैठ बैठ अंडर वाटर माफिया, जल्दी बैठ जल्दी यार, निकल निकल निकल। और ये रहा लेस्टर का बेसमेंट, जो कि यार मतलब गाड़ियाँ देखो भाई खतरनाक, ये वाली गाड़ी देखो कितनी मस्त लग रही है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि गाइज कल की वीडियो पे यार हम लोग गए थे टेक्नो के शोरूम पे जॉब लेने के लिए, और वहाँ पे हम लोग को जॉब मिल गया था। तो सीन क्या था वहाँ का कि हम लोग को एक गाड़ी डिलीवर करने मिला था, जो कि था माफिया के घर पे डिलीवर करना था, और वो एक इंडियन कार था, थार। तो यार हम लोग सही से जा रहे थे, बट अचानक में क्या हुआ कि कोई गैंग के बंदे आ गए और वो गाड़ी को चोरी करके ले गए। और उसके बाद जब हम लोग वापस गए अपने शोरूम पे, तो यार वहाँ का जो मैनेजर था उसने हमें जेल पे डलवा दिया। तो अब सीन क्या है कि मुझे लगता है कि हमारा कोई दोस्त मिलने के लिए आया है, तो एक ऑफिसर बार बार आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, मुझे लगता है कि कोई हमसे मिलने के लिए आया है, तो देखते क्या बात करना है। और अगर हमारा वो जो दोस्त, आप लोग को याद होगा कि पार्ट वन में हमारा एक दोस्त था जो कि यार बाहर गया हुआ था, अगर वो आ गया होगा तो शायद हम लोग यहाँ से निकल सकते। तो यार यहाँ पे मेरा इंस्पेक्टर सर से बात हो चुका है, और इनका कहना है कि यार हमें बेल मिल सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो अभी तो हमें बाहर ले जाया जा रहा है, तो चलते हैं पहले बाहर। और यार यहाँ पे हमारा साइन भी लगेगा, ताकि हम लोग यार बाहर जेल से, मतलब जेल से बाहर होने के बाद हम लोग सिटी ना लीव कर दे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, तो फटाफट हम लोग निभाते। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि यहाँ पे अपना नाम उम लिखा जा रहा है, और यार पहली बार अपना पुलिस स्टेशन में नाम दर्ज हो गया, यानी कि आगे जाके कोई भी हम लोग क्राइम करते हैं तो यार हम लोग पे पहले शक होगा। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर, और मेरा दोस्त जो बाहर से, मतलब जो बाहर गया हुआ था, वो भी आ चुका है, तो इसी का फ्लैट एक, तो इसका कहना है कि वहाँ पे चलते हैं, आराम आराम करते हैं थोड़ा, क्योंकि यार हम लोग यार 2 दिन से हम तो अकेले जेल में थे, बट हमारा फ्रैंकलिन इसके साथ था। तो चलो यहाँ पे जल्दी से फॉर्मेलिटी जितना भी है फटाफट कंप्लीट करते हैं और चलते हैं बाहर। तो चलो गाइज हम लोग जा रहे हैं बाहर, फाइनली कुछ टाइम के लिए हमें बेल मिल चुका है, तो ये हम लोग को बाहर तक छोड़ देगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्लैट पे। और यार मुझे वो जानना है यार, क्या नाम है यार इसका, फ्रैंकलिन की, जो वो जो गाड़ी चोरी हुई है यार, उसके पीछे आखिर कौन बंदे हैं, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग सिटी में नया थे, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि वो जो बंदे थे उसके ऊपर मास्क था कुछ। तो चलो ये जो गाड़ी है अपना दोस्त का, तो फटाफट हम लोग बैठते, आ जाओ बैठ जाओ फ्रैंकलिन। तो चलो यार फाइनली हम लोग को यहाँ से छुट्टी मिल गया, अब फटाफट यहाँ से निकलते, गलती नहीं करना भाई, पता नहीं क्या अपना किस्मत ही खराब है, बट अब फटाफट चलते इसके फ्लैट पे, और वहाँ चल के कोई प्लान बनाएंगे, क्योंकि मुझे वो वाला जो बंदा उसको तो चप्पा करना है भाई, क्योंकि यार टेक्नो का जो शोरूम है वहाँ पे मतलब हल्ला हो गया भाई, कि हम लोग गए थे तो पूरा गाड़ियों का चोरी करवा दिए, अपना नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फटाफट चलते हैं इसके घर पे और चल के वहाँ देखते क्या करना है। तो ऑलराइट गाइस, गाड़ी भगाते भगाते हम लोग पहुँचने वाले फ्लैट पे, जो कि हमारा दोस्त थे इसका यहाँ पे फ्लैट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और उसके बाद पता करने निकलेंगे कि वो जो गाड़ी चोरी हुई है भाई आखिर किया किसने, कि मतलब इसका कहना है कि कोई गैंग के बंदे हो सकते हैं, और देखने में भाई वो गैंग टाइप के लग रहे थे। खैर ये रहा इसका फ्लैट, तो फटाफट ये अपना अंदर गाड़ी लगा रहा है। चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से चलते, कपड़ा वपड़ा चेंज करते, थोड़ा फ्रेश होते, क्योंकि यार ये देखो पसीना से क्या हाल हो चुका है। बाकी भाई ये जो हमारा दोस्त है इसका फ्लैट तो यार क्या ही खूबसूरत है। तो यार कुछ खाने को है तो निकालो यार, क्योंकि यार अभी हम लोग को भूख भी लगा हुआ है, और हम तो यार जेल में कुछ खाए नहीं है, कहाँ गया हमारा बंदा। तो ये रहा, तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे अपना खाना पीना चल रहा है, और देखा जाए तो मेरा इससे बात भी हो गया, तो इसका कहना है कि पहले तुम कपड़ा चेंज कर लो, उसके बाद इसका एक दोस्त है जो कि वर्कर है, वर्कर का लाइन पे, यानी कि यार जो कि अपना गैरेज पे काम करता, खुद का उसका गैरेज है, और अगर तुमको काम करना हो तो वहाँ पे भी कर सकता है। बाकी देखो वो जो बंदे के बारे में डिटेल निकालने के बाद रहा, तो इसका कहना कि ये बस एक ही बंदा बता सकता है जो कि इसका दोस्त है, उसका गैरेज है, तो वहाँ पे चलेंगे हम लोग मिलने के लिए उससे, और पता करेंगे कि भाई कि कौन सा गैंग है जो कि भाई मतलब कि अपना इंडियन कार चोरी कर लिया और नाम मेरे पे आ गया भाई, अपना नाम बदनाम हो गया, तो वो भी चल के देखेंगे। पहले चलते नीचे और चल के कपड़ा चेंज करते, जो कि यार कितना बड़ा घर है भाई, नीचे बेसमेंट बनाया, घर बड़ा नहीं है, नीचे से बड़ा है। तो चलो यार यहाँ से एक और गेट आ चुका है, और ये हम लोग आ चुके हैं, यार ये देखो क्या ही फ्लोर है, बाकी ये सामने चल रहा है तो इसको फॉलो करते, जल्दी से हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद भाई मुझे जाना है इसके दोस्त के पास, जो कि यार जानता होगा कि कौन सा गैंग के मेंबर है, पहले वो गैंग में था तो वो हमें बता सकता है, बाकी शायद ये वाला रूम है। तो चलो यार जल्दी से हम लोग कपड़ा चेंज करते और यहाँ से फिर चलेंगे। तो चलो यार अपना कपड़ा लत्ता सारा चेंज हो चुका है, अब फटाफट चलते ऊपर और चल के जो बाकी का काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलो यार इसका घर था अपना फ्लैट, तो अपना कपड़ा चेंज हो गया है, बाकी अपना फ्रैंकलिन भी बाहर वेट कर रहा है, तो फटाफट चलते। और इसका एक जो दोस्त जिसके बारे में ये बता रहा था कि वो दोस्त को हर चीज़ पता है कि कौन सा गैंग का बंदा था वो, तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट चलते। बाकी यार यार कितनी बड़ी घर बना के रखे हो भाई, नीचे से तो यार कितना लंबा है, और यहाँ से किधर चलना है। चलो ये रहा गेट, बाकी यार कहाँ निकल गए हम,
अच्छा ये रहा अपना गैरेज, तो चलो ये रहा अपना फ्रैंकलिन। यार फ्रैंकलिन तो क्या ही खतरनाक लग रहा था। चलो यार अब लग रहे सिटी में चलने लायक, सर्वाइव करने लायक बंदे लग रहे। तो इस बार गाड़ी हम चलाते हैं, तुम लोग फटाफट बैठ जाओ और लोकेशन मार्क करो कि कहाँ जाना है। तो चलो यार अब यहाँ से हम लोग को निकलना, लोकेशन पे मार्क आ चुका है, तो फटाफट गाड़ी भगाते हैं। सुबह का वक्त है और यार अपना जो नाम बदनाम हुआ टेक्नो शोरूम में, वहाँ पे भी नाम बनाना पड़ेगा गाड़ी को वापस से रिकवर करके। तो वो वाला तो जब तक यार इसका दोस्त से मिलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे वो बंदा रहता है और चोरी किसने की है, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो जल्दी से हम लोग भगाते गाड़ी। बाकी ये गाड़ी यार मेरे दोस्त की लग नहीं रही भाई, चोरी की हो क्या ये वाली गाड़ी? यार इतनी अच्छी गाड़ी एक्सयूवी में। बाकी चलो ये फैमिली कार टाइप की लग रही है, और सिटी में भाई आजकल बंदे बहुत ज़्यादा रफ चला रहे गाड़ी। चलो यार जल्दी से गाड़ी भगाते हैं और वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, गाड़ी भगाते भगाते हम लोग पहुँचने वाले लोकेशन पे, जहाँ पे उस बंदे का मैकेनिक शॉप है। तो फटाफट चलते और देखा जाए तो यही अपना पॉइंट था। तो फटाफट अंदर, यार कोई बंदा लेकिन दिख नहीं रहा है। तो चलो एक बार गाड़ी को यहीं पे लगा देते हैं भाई, अंदर ही लगाना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यार किसी और का शोरूम है, मतलब शोरूम नहीं ये एक तरह का समझ लो वर्कशॉप है। तो चलो यार मेरा बंदा कहाँ गया वो दोस्त? हाँ तो यार फ़ोन किया, ये देखते कब तक वो आता है और उसके बाद। अच्छा वो है क्या, मुझे लग रहा है यही होगा। तो एक बार चल के इससे बात करते हैं, यार लग भी रहा है कि ये मतलब कि कोई गैंग में था पहले। तो एक बार इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या करना हम लोग को। तो चलो गाइस इस बंदे से मेरा बात हो गया, और जैसा कि इसका कहना था कि यार हम तो वो गैंग में भी नहीं है, बट इसने गैंग का नाम बता दिया। मारा बुंडा नाम का वो गैंग था जिसके बंदे वो थे, क्योंकि यार इसका कहना है कि वो जो मास्क वाला है वो पूरा सिटी में बस एक ही गैंग है, वो है मारा बुंडा। तो यार मारा बुंडा का इसका कहना ये भी है कि वो बहुत पावरफुल गैंग है और हम लोग डायरेक्ट उससे मिल नहीं सकते, ना कि उससे फाइट ले सकते। बट इसका कहना ये भी है भाई कि एक बंदा और है कि जो हमारा हेल्प कर सकता है, और वो इसका दोस्त है। तो यानी कि समझ लो कि यार मुझे उसके पास भी जाना पड़ेगा अपना मदद के लिए, तो ये हमें वहाँ तक ले जा सकता है क्योंकि यार ये अपना दोस्त का दोस्त है। तो चलो यार अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और बाकी ये जो बंदा है ये बॉडी बिल्डर, इसका कहना है कि इसका एक दोस्त है वहाँ पे, वो बता सकता है, तो वो एक लोकेशन भेजा है। तो चल के फटाफट मिलते हैं, तो बैठ जा भाई। तो चलो यार बाकी हम लोग को फटाफट गाड़ी भगाना होगा, और अभी देखो हम लोग पहुँचने ही वाले। एक तो चीज़ पता चली अच्छा है कि कम से कम वो मारा बुंडा का बंदे थे, और अभी ये भी नहीं पता कि गाड़ी बची है कि सेल हो गई या फिर क्या हुआ, कुछ नहीं जानते। बट आगे चल के पता चल जाएगा यार, पता करना पड़ेगा क्योंकि यार नाम बदनाम हो रहा सिटी में। बट चलो देखते क्या करना, अभी फटाफट हम लोग गाड़ी भगाते और जिस लोकेशन पे ये बोला है चलने को तो वहीं लेके चलते। और वो जो बंदा भाई सुनने में आया है कि वो थोड़ा हैकर टाइप का बंदा है, तो वो हमें बता सकता है कि क्या करना आगे क्या नहीं करना है, क्योंकि यार इसका भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मारा बुंटा में। ये जिस गैंग में था वो अपोजिट गैंग थी। तो चलो यार हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, फटाफट बस गाड़ी भगाते। सब बैठ गया ना चारों बंदा? हाँ, फ्रैंकलिन भी बैठा हुआ है, बॉडी बिल्डर भी बैठा हुआ, और मेरा दोस्त भी पीछे बैठा हुआ। तो बस अब बस गाड़ी हाईवे में भगाते और जल्दी से पहुंचते लोकेशन पे। तो चलो यार अब लोग गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाले लोकेशन पे। और ये जो बंदा, ये मैंने बताया हैकर टाइप का है। तो रास्ता में मेरा बात हुआ इस बॉडीगार्ड से, और देखने में यार इसका नाम बॉडीगार्ड लगता नहीं, बट इसका नाम है अंडरवाटर माफिया। तो चलो बाकी लोकेशन तो यही है, सीक्रेट लोकेशन लग रहा भाई, बट कहाँ पर जाना है यार इसका, इससे एक बार बात कर लेते हैं कि जाना कहाँ पे, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलो यार इसको फॉलो करते हैं। बाकी इसका कहना है कि नीचे ये इसका दोस्त जो कि हैकर भी है, और इसका यार पूरा सिटी में अच्छा खासा नेटवर्क है। बाकी ये कैसा जगह है यार, ये तो माइनिंग वाला सीन है। एक सेकेंड, यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे देखो असली कांड तो भैया यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही अब हमारा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि यार हम लोग देखो तीसरा बंदा के पास आ चुके हैं। हाँ भाई साहब ये दोनों दोस्त भी लग रहा है। तो चलो इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि यार वो बंदा आखिर हमें मिलेगा कैसे और कैसे हम लोग उसके पास पहुंच पाएंगे। तो ऑलराइट गाइस हमारा बात हो चुका है, और यार ये जो बंदा ये हमारा हेल्प करने के लिए तैयार है, और ये हमारा हेल्प कर देगा, बदले में इसके हमें पैसा देना पड़ेगा। बट सीन क्या है कि हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कह रहा है कि मेरे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें लोकेशन भी बता देंगे, और हो सके तो तुम्हारी गाड़ी अभी तक सेल ना हुई, क्योंकि यहाँ पे सिटी में एक सीन चल रहा है कि जब से इंडियन कार आई है बंदे चोरी करते हैं और आउट ऑफ कंट्री सेल कर देते हैं। तो इसका ये भी कहना है कि वो गाड़ी जल्दी से जल्दी अगर बचा सकते हो तो बचा लो, वरना ये वो गाड़ी जो है वो सेल हो जाएगी बाहर कंट्री पे। तो चलो ये जब तक ये पता कर रहा है, और इसका कहना है कि मेरे लिए काम करना पड़ेगा दो काम, तो हम लोग वो भी कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखो भाई ये क्या सीन है, मतलब कि किसी को मार के यहाँ पे निपटाया हुआ है। खैर देखते हमें क्या काम देगा, उसके बाद ही हमारा ये हेल्प कर पाएगा। तो ऑलराइट गाइस मेरे इस बंदे से बात हो गई है, और देखा जाए तो ये हमारा हेल्प कर देगा, बदले में हमें इसे काम करके देना पड़ेगा। और इसका कहना है कि इसे बस पैसों से मतलब है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा भाई कि यहाँ पे इलीगल मतलब जो भी सामान है सब ये सेल करता है बाहर कंट्री पे, और इसे पता है कि वो गाड़ी किस कंट्री में सेल होने वाली है।
तो ये हमारा हेल्प तभी करेगा जब हम इसका हेल्प करेंगे। तो यार इसका कहना है कि एक मिलिट्री बेस से गाड़ी निकलने वाली है ठीक शाम में, जिस पे यार मतलब कि गन भरी पड़ी है, तो वो वाला हम लोग को गाड़ी चोरी करके इसके बेस पे रखना होगा, पहुंचाना पड़ेगा वहां तक। अगर ये काम हम लोग कर देते हैं तो बदले में ये हमें बता देगा कि वो बंदे को कैसे पकड़ना है, कैसे गैंग को ज्वाइन करना है, हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो चलो यार लेस्टर से एक बार फाइनली कन्फर्म कर लेते कि क्या ये मतलब कि हमारा हेल्प सही से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलो गाइज मेरा लेस्टर से फाइनली बात हो गया है और ये कह रहा है कि अगर तुम चोरी करते वक्त अगर कुछ होता है, अगर पुलिस पकड़ लेता है तो ये हमें बचा भी लेगा। तो चलो इसका बात रख के हम लोग इसको हाँ बोल रहे हैं, वरना सच बोला जाए तो अभी हम लोग ऐसी एक मतलब कि एक हमारा नाम बदनाम हो चुका है, दूसरा हम बदनाम नहीं होना चाहते। तो अब क्या ही बचा ऑप्शन, तो फटाफट इसको हाँ बोलते और इसका कहना है कि ये GPS हमें भेज देगा। तो चलो लेस्टर मिलते हैं फिर, और चलो फ्रैंकलिन तैयारी करते हैं सेकंड चोरी का, जो कि यार हम लोग जान के कर रहे हैं। पहला चोरी तो यार हम लोग किए नहीं थे बट फिर भी यार नाम हम लोग पे आ गया, बट दूसरा जो चोरी होने जा रहा है ये वाला। अच्छा गाड़ी लेके आओ भाई, गाड़ी लेके आओ बाहर, हम थोड़ा पैदल जाते, आ जाओ। बाकी ये रहा लेस्टर का बेस, जो कि टेम्प्रोरी है या परमानेंट नहीं है, बट देखा जाए तो ये लेस्टर ये हमें बचा सकता है। तो पहले चलते बाहर और देखते ये हमें कहाँ लोकेशन भेजेगा, कहाँ से गाड़ियाँ चोरी करना सब चल के बाहर ही पता चलेगा। आ जाओ भाई सब लोग बाहर आ जाओ। तो जैसा कि गाइज हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस पे और यार मेरी लेस्टर से बात हो गई है और लेस्टर ने हमें और बॉडीगार्ड जो अंडर वाटर माफिया था हम दोनों को भेजा है। बाकी जो अपना फ्रैंकलिन था और मेरा दोस्त, वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए ताकि मतलब कि वहाँ से बता सके कि कब गाड़ियाँ आने वाली है। तो देखो ये जो गाड़ी आने वाली है डायरेक्ट मिलिट्री बेस से आने वाली है और हम और आए हुए हैं अंडर वाटर माफिया। तो चलो देखते हैं एक बार लेस्टर क्या बोलता है रेडियो पे, क्योंकि देखो हम लोग कनेक्ट है एक दूसरे से, तो लेस्टर हमें पल पल का खबर देते रह रहा है। बाकी देखो वो जब भी आएगी हम लोग यार उसको फॉलो करना है, जैसे कमांड आ रहा है कि लेस्टर बोल रहा है कि उसको पहले फॉलो करना है और जैसे ही मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हर जगह पे मिलिट्री की गाड़ियाँ चल रही, सामने भी देखो वहाँ पे मिलिट्री की कार है, तो यहाँ सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिलिट्री की भी गाड़ियाँ चल रही है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे हम लोग इसको रॉब कर पाएंगे। तो एक काम करते ना, पहले वेट करते, जैसे ही लेस्टर कमांड देगा कि वो गाड़ी वहाँ से निकली है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अब तक तो इतनी कमांड मिला है, तो चलो देखते हैं। बाकी यार अपने साथ जो बॉडीगार्ड आया है वो भी नज़र रखा हुआ पल पल का, तो चलो वेट करते हैं, जैसी वो गाड़ी आएगी हम लोग उसको फॉलो कर देंगे। तो जैसा कि गाइस कुछ ज़्यादा ही वक्त हो चुका है बट अभी तक कोई भी हमें गाड़ी मिलिट्री बेस से आते हुए नहीं दिखा। बाकी हमारा जो अंडर वाटर माफिया फुल नज़र रखा हुआ है कि कहीं से भी गाड़ी आ जाए तो हम लोग फॉलो कर देंगे। बाकी लेस्टर ने बताया था कि एक दो गाड़ी नहीं आ रही, कम से कम दो चार गाड़ियाँ आ रही है, तो चलो वेट करते। बाकी लेस्टर तो बोल रहा था कि अभी आ जाएगा, बट वहाँ क्या हो रहा है भाई, उधर क्या हो रहा है। एक सेकंड, गाड़ी निकली। बैठ, अंडर वाटर माफिया जल्दी बैठ यार, निकल। तो चलो यार गाड़ी तो निकल गई है, लेस्टर सही एकदम सही बताता है यार। पहला बार मतलब कि ये वाला काम हो रहा है मेरा लेस्टर के साथ, और सुनने में आया था कि भाई ये बंदा एकदम सही इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ये गाड़ी गया कहाँ अंडर वाटर माफिया, भाई किधर चली गई। एक सेकंड, वो रही सामने, तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चलते, ज़्यादा सामने भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी ये एरिया पूरा मिलिट्री का है, तो यहाँ पे मिलिट्री की गाड़ियाँ चलते रहती है। तो ऑलराइट गाइस, गाड़ी अभी आगे निकल गई है, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, बट ऐसा सीन नहीं, थोड़ा हमें पीछे चलना पड़ेगा। और ये गाड़ी मतलब जैसे ही ये एरिया ख़त्म होगा मिलिट्री बेस का, हम लोग उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। बाकी अरे यार ये बंदा लग सिटी के जो बंदे ना भाई, अलग ही पागल है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट चलते आगे, कहीं हम लोग को निकल ना जाए गाड़ी, वो रही सामने। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं मोड़ पे और लेस्टर का भी मैसेज आया था। लेस्टर कह रहा वॉकी टॉकी पे यार उसको बस फॉलो करो, क्योंकि आगे एक ब्रिज आने वाला है, वहाँ पे गाड़ियाँ कम रहेगी और वहाँ पे हम लोग वो गाड़ी को हाईजैक कर सकते हैं। तो वो रहा सामने जो ब्रिज टनल जो जा रहा है, उसके नीचे अंदर ही हम लोग करेंगे। तो जैसे लेस्टर बोल रहा वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। बाकी वो रही गाड़ियाँ, तो अंडर वाटर माफिया तैयार है ना, हाथ में यार गन उन हम लोग रख लेते, क्योंकि यार वहाँ पे हम लोग को उतरते ही फायरिंग करना पड़ेगा। तो चलो लगता है ब्रिज अपना शुरू हो चुका है, वो वाला टनल। ये गाड़ी घुसी कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं घुसी, थोड़ा पीछे ही रहते क्योंकि यहाँ पे जाम लग रहा है, हम लोग थोड़ा पीछे रहेंगे तो सही रहेगा। तो यार मुझे लगता है कि इतना वक्त सही रहेगा। तो चलो यार अंडर वाटर माफिया स्टार्ट करते हैं, ये लोग टनल में घुसने वाला है, इससे पहले ये लोग निकले हम लोग को गाड़ी को हाईजैक करना है। और बीच वाली गाड़ी अपनी टारगेट है, जिसमें गन्स लोडेड है, जो कि चाहिए अपना उसको लेस्टर को। तो चलो ये गाड़ी भाई घुसी नहीं अभी तक। अच्छा टनल भाई कितनी बड़ी है, अभी तक गाड़ी घुसी भी नहीं है। तो चलो मुझे लगता है अब घुसने वाला है। देखो पब्लिक भी आसपास घूम रहा है, मतलब सिटी के बंदे लोग भी है, तो मुझे लगता है कि यार हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बट ट्राई करेंगे। लगता है घुस जा। चलो घुस गया। तो चलो यार फाइनली टनल पे घुस चुका है, मुझे सामने वाली गाड़ी पे जाके इसको पहले रोकना पड़ेगा ताकि वो आगे ना जा पाए। तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, बस इसको ठोकना है और इसको चाप देना है।
अरे भाई साहब, रोक रोक रोक, उतर उतर उतर, मार 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 मार, इसको मार, ये वाला चाहिए हम लोग को, मार मार मार, पीछे से बंदे उतर रहे, मार मार मार, आगे भी आगे, आगे मार, आगे मार, आगे मार, आगे मार, यहाँ पे खत्म कर पहले, उठ रहा है। चलो भाई, मर गया, निकल, जल्दी निकल, अंडर वाटर माफी, जल्दी निकल, गाड़ी पकड़। चल भाई, मिल गया जो चीज चाहिए था हम लोग को, मिल चुका है, जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ। अरे जिंदा है बंदा, मार उसको। और यार शकल देख लिया अपना, शकल देख लिया, इसको फिनिश कर पहले फिनिश कर। हाँ चल, निकल, बैठा मेरे को। अरे रुक रहे, रुक भाई, अरे रुक जा, अंडर वाटर माफिया भाई, रुक जा, बैठा मेरे को बैठा। चलो यार, फाइनली सब मर चुका है, यहाँ पे 2, 4, 5, 6 बंदे थे, और देखो पूरा ब्रिज जो है हम लोग जाम कर दिए। चलो यार, फटाफट यहाँ से निकलते, और जो लोकेशन हम लोग को लेस्टर अभी भेजा है, देखना पड़ेगा कहाँ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मारपीट हो चुका है, पहले साइड चलते, क्योंकि सिटी में पुलिस भी है और हम नहीं चाहते कि मेरा पुलिस केस रिकॉर्ड हो जाए। यार अब गैंगस्टर बन ही गए, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब पहला दिन हमारा नाम बदनाम हो गया, दूसरा दिन हम लोग यार मिलिट्री की गाड़ी चुरा ली है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से फटाफट चलते हैं और कहीं साइड लगा के लेस्टर से बात करते कि कहाँ पे इस गाड़ी को छुपाना है। तो चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे साइड चल, अंदर गली में ले चलना, हाँ कहीं पे पार्क करना, अभी हम लोग को फ़ोन करना होगा सबसे पहले लेस्टर को। चल भाई, लगा दे गाड़ी। यार क्या ही मारपीट चला भाई, हमको लगा कि हम लोग मर गए, क्योंकि यार इतने सारे बंदे थे ना कि क्या बोले। बट चलो एक बार हम लोग लेस्टर से बात करते हैं, कहाँ गया हमारा अंडर वाटर माफिया, और एक बार हम लेस्टर से बात करके पहले पूछ लेते हैं कि ये गाड़ी को कहाँ पे लगाना है। तो चलो यार, जब तक ये बात कर रहा है, थोड़ा वेट करते और पता करते भाई कि इस इतनी बड़ी गाड़ी जो कि मिलिट्री गाड़ी है, इसमें मुझे लगता है कि यार सेंसर उनसर लगा होगा, इसलिए ज़्यादा देर हम लोग को यहाँ रखना नहीं है। जैसे ही लेस्टर बताएगा कि कहाँ इसको छुपाना है, उसके बाद वहाँ चलते और लेस्टर के हवाले कर देंगे भाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो करना था हमने कर दिया। तो चलो यार, लेस्टर से हमारा बात हो चुका है, लेस्टर कह रहा है कि एक सीक्रेट बेस है, मतलब सीक्रेट जगह है, मतलब शिपयार्ड में, तो वहाँ पे ये गाड़ी को लेके आ जाओ और जल्दी लाने बोला है, क्योंकि देखो अभी पूरा हल्ला हो चुका होगा पूरा सिटी में कि यहाँ पे एक गाड़ी चोरी होगी जो कि मिलिट्री की कार थी। तो फटाफट हम लोग चलते हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलो यार, तो हम दोनों बैठ चुके हैं फटाफट। यार पीछे पब्लिक भी घूम रही है, मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। तो माफिया भाई निकलते हम लोग, ये भी अपना काम आया भाई, मतलब मारा इसने भी, मारा अच्छा खासा बंदों को गिराया, 4-5 बंदे थे भाई लिटरली, मतलब हम अकेले होते तो मार खा जाते, बट यहाँ पे अपना ये अंडर वाटर माफिया था तो बच गए। तो फटाफट चलते अब लोकेशन पे, और इस गाड़ी को बस लेस्टर का हवाले करना है, उसके बाद भाई वो जो करना है करे, मुझे बस वो लोकेशन दे दे कि कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो गैंग था, आप लोग को पता होगा कि जो गैंग के बारे में बताया गया था, वो गैंग मुझे ज्वाइनिंग लेना है, ताकि हम लोग यार वो अपना जो गाड़ी है इंडियन कार थार, उसका पता कर सकें। तो चलो पहले फटाफट गाड़ी भगाते हैं और जल्दी से पहुँचते लोकेशन पर। तो ऑल राइट गाइस, गाड़ी भगाते भगाते हम लोग आ चुके हैं शिपयार्ड पे, और यहीं पे लेस्टर ने लोकेशन भेजा है, तो फटाफट चलते हैं। बाकी ये क्या हो गया, कोई गेट ही नहीं खोल रहा। चलो कोई बात नहीं, गेट नहीं खुले चलेगा, बट अभी पहले चलते हैं लोकेशन पे, क्योंकि देखो ये गाड़ी का भी खोज चालू हो चुका होगा पूरा मिलिट्री बेस पे, और अब लेस्टर इसी को मतलब क्या करेगा पता नहीं, बट बोला जल्दी से आने के लिए, तो फटाफट चलते लोकेशन पे। बाकी चलो हम लोग पहुंचने वाले, और सामने ही आ रहा है अपना SMS, मतलब ये GPS, तो फटाफट यहाँ पे चलते। ये रहा अपना लेस्टर, तो चलो वो खड़ा अपना लेस्टर, तो चल के बात करते इसको कहाँ पे लगाना है। तो चलो यार, ये रहा अपना लेस्टर, और चल के पता करते कि यार ये जो चोरी हुआ, इसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक और काम शायद हमें करना था, तो वो भी पूछ लेते, क्योंकि इसने साफ साफ बोला था दो काम करना है, तो पहला काम तो हमारा हो गया, अब इसको कहाँ रखना है वो देखते हैं। तो चलो यार, मुझे पता चल गया ये गाड़ी को कहाँ रखना है। तो इसने बोला है अंडर वाटर माफिया को कि ये जो ट्रक है, जो मिलिट्री बेस का ट्रक है, इसको इस गैरेज में, वेयर हाउस में डाल दे, क्योंकि इसके नीचे भी सीक्रेट बेस है। तो चलो हम लेस्टर चल रहे हैं, बाकी ये गाड़ी को अंदर कर रहा है, तो फटाफट चलते हैं अंदर। मुझे देखना भाई ये कैसा बेस है, मतलब इसमें तो जगह ही नहीं, आराम से भाई, आराम से भाई, ये कितनी स्पीड चला रहा है। हाँ तो चलो, यहाँ पे ये अंदर कर रहा है, बाकी हम लोग चलते हैं फटाफट और देखते हैं इसका बेस। लेस्टर का कहना है कि यहाँ पे इसके नीचे बेसमेंट में भी इसका बेस है, जहाँ पे वो गाड़ियाँ रखता है। तो चलो यार, इसका नीचे वाला बेसमेंट पे हम लोग चल रहे हैं, हम लेस्टर, बाकी जो अपना वो अंडर वाटर माफिया था, वो गाड़ी को पार्क कर रहा है पीछे से। तो ये वाला बेस हम लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि यार लेस्टर का मुझे सुनने में आया कि लेस्टर का यार एक ठिकाना नहीं रहता, ये मतलब अपना पोजीशन और अपना रूम वूम चेंज करते रहता है। बाकी एक सेकंड भाई, ये कैसा बेसमेंट है यार, खतरनाक है। चलो अपना अंडर वाटर माफिया भी आ चुका है, और ये रहा लेस्टर का बेसमेंट, जो कि यार मतलब गाड़ियाँ देखो भाई खतरनाक, ये वाली गाड़ी देखो कितनी मस्त लग रही है। तो यार ये जो गाड़ी है यार, ये खतरनाक लग रही है। बाकी देखो यहाँ पे और भी गाड़ी है यार, ये देखो ये वाला अंडर वाटर माफिया, ये गाड़ी मस्त लग रही है। ये देखो यार, लेस्टर को मानना पड़ेगा भाई, दिमाग तो है। बात खैर, बात वो नहीं है, बात ये है कि हम लोग का जो काम था कर दिए, अब हमको बात करना होगा लेस्टर से।
तो यार चलो बात करते हैं, देखते हैं लेस्टर क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा क्या काम है। एक काम तो हो गया, जो इसको गाड़ी चाहिए था मैंने मंगवा दिया, और इसके अंदर जो भी गन्स होगा ये बेच के अपना, मतलब ये बाहर कंट्रियों पे बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा। खैर अब दूसरा जो काम है वो पूछ लेते हैं। तो ऑल राइट गाइज, लेस्टर से मेरा बात हो चुका है, और जो दूसरा काम है वो काम थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, और इसका कहना है कि वो काम हम अकेले ही करेंगे, क्योंकि जो अपना जो अंडर वाटर माफिया उसको भी काम आ चुका है, तो उसको अपना वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। तो यार ये भी बहुत देर तक रहा, तो चलो इसको भी भेजते। बाकी जो लेस्टर का जो दूसरा काम है वो है कि एक ऑफिसर है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर में, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में एक बंदा, उसको किडनैप करके लेके आना है, बट जिंदा। और किडनैप करने के बाद उसे पता भी नहीं चलना चाहिए आसपास में कि उसका किडनैप हुआ है, वरना दिक्कत आ सकती है। तो पहला काम तो हम लोग का हो चुका है जो कि लेस्टर ने दिया था। अब दूसरा जो काम है ये अकेले करने बोल रहा है, तो थोड़ा रिस्की है। तो वो जो ऑफिसर है उसको पकड़ने के लिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। बाकी लेस्टर ने उसका फोटो भेज दिया है मुझे फ़ोन पे, और उसके बाद देखना है क्या करना है, ये बंदा में मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। इसका साफ साफ कहना, अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ तो उसको वहीं पे किडनैप कर लेना, अगर पॉसिबिलिटी नहीं रहती है तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा प्लान बी का। तो ये जो काम है ये हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि यार देखा जाए तो वक्त भी हो चुका है। तो चलो यार आज की वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। और ये वाला हो सकता है लेस्टर का कहना कि थोड़ा टाइम लगेगा, शाम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस अगर पार्ट मतलब प्लान 1 में अगर वो किडनैप हो जाता है तो ठीक है, वरना इसका शाम का वेट करना पड़ेगा जब ये ऑफिस क्लोज होगा। उसके बाद तो वो घर के लिए निकलेगा ही, तब हम लोग वहाँ पे किडनैप कर सकते हैं। तो चलो यार आज की वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, बाकी यार नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होगा। तो मिलेंगे गाइस फिर एक और न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।